नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा भी जरूरी है आपके कर्मों के साथ साथ। तो हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, भगवान विष्णु इस दिन नींद से जागते हैं, इसलिए इस तिथि को देव प्रबोधिनी देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं जिससे आपकी मनोकामनाएँ अवश्य ही पूर्ण होंगी। और अगर हम बात करें देवोत्थानी एकादशी की, शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाना और ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहेगी और किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आने वाला है। अगर बात करें एकादशी में और क्या कर सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना जाता है। और यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन एकादशी पर विष्णु मंदिर जाएं और भगवान विष्णु को सफेद मिठाई खीर का भोग लगाएं। तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इसके करने से भगवान विष्णु आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। एकादशी पर एक नारियल थोड़े बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। ये उपाय करने से आपको जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और अटके कार्य वो सब बन जाएंगे। लेकिन एक बार श्रद्धा भाव से अवश्य करके देखें। एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी कहा जाता है। इसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करना। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने, पीले फल, पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीब जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। और यदि आप निरंतर कर्ज में डूबे हैं तो बात करें तो एकादशी के दिन आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होंगे। धन की कामना रखने वाले के लिए जो देवोत्थानी एकादशी है, इस दिन अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे 5 माला तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री। एकादशी के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दक्षिणा वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें। करते समय कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के समीप रखें। पूजन करने के बाद पैसे फिर से अपने पर्स में रखें। इससे धन लाभ होने की पूरी संभावना है। काफी कोशिशों के बाद भी आमदनी नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो एकादशी में 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराइए। भोजन में खीर अवश्य हो। कुछ ही दिनों में आपकी समस्त मनोकामना जो धन को लेकर है वो पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, आपको ये सब करना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर ईश्वर की कृपा अवश्य होगी और आप सभी पर हरि की कृपा बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार, धन्यवाद।